मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं कि यह कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना ही काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई के तरह खुशियाँ भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिनको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त तो सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही कर लें, पर आप अपने आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करें जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिस को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कर भी है पर सच है,
लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों के ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसी वस्तु है जिसको हजारों साल बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से, बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।